हेलो दोस्तों, तो गाइस आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस टॉपिक को ढूंढते ढूंढते मेरी ऐसी की तैसी होगी, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक मिलते हैं नहीं जो नए टॉपिक्स खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए एक नया टॉपिक लाओ। तो आज हम बात करने वाले टॉप 6 लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन जो आज पकड़ सकता है। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ठंडा इंट्रो लगा दोस्तों, जो हमारे पोकेमॉन नंबर 6 पे आते हैं उस मिथिकल पोकेमॉन का नाम है डाकरा। हाँ दोस्तों, जो मैंने डाकरा नाम के इस पोकेमॉन को नंबर 6 पे रखा है। अगर आपने सीनो सीरीज देखी तो उसके अंदर जो मैचेस चलते हैं उसके अंदर जो ऐश है, उस ऐश की चैप्टाइल ने टोबियास के डाकरा को हराया था। उस समय जो सेप्टाइल, तो अगर कोई दूसरा डाकरा है उसको भी हरा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो जो नंबर 5 है, जो मेरे हिसाब से पोकेमॉन आएगा उसका नाम होगा डाकरा। दोस्तों, जो हमारा पोकेमॉन नंबर 5 पे आता है उस पोकेमॉन का नाम है स्वीकोर। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे कि यार इतने बड़े पोकेमॉन के नीचे क्यों रखा है, पर कुछ रीजन जिसके कारण मैंने इसको नीचे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है, एक लेजेंडरी पोकेमॉन है वाटर का। ठीक है, और ये जोटो रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर आपने देखी है जोटो की मूवी तो उसके अंदर ये सेलबी फॉरएवर में अपीयर हुई थी, वहाँ पे ऐश को पकड़ सके तो उसने पकड़ा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से नंबर 5 पे जगह बनाता है। दोस्तों, जो हमारा पोकेमॉन नेक्स्ट नंबर पे आता है उस पोकेमॉन का नाम है कुफू और उसकी एवोल्यूशन उर्शिफू। तो आपको पता होगा जो कुफू है उसके दो एवोल्यूशन है टोटल, जो है उर्शिफू, और दोनों दो टाइप्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फाइटिंग और एक वाटर टाइप डार्क वाटर और फाइटिंग वाटर फाइटिंग डार्क। ठीक है, और एक है रैपिड स्ट्राइक और एक है सिंगल स्ट्राइक। ये जो पोकेमॉन है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जो पोकेमॉन आपके पास पोकेमॉन शॉर्ट में मिला और वो भी जब आप एक्सपेंशन पास खरीदोगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ चले, जो पोकेमॉन हमारे नंबर 3 पे आता है उस पोकेमॉन का नाम है जरूर। तो आपको पता होगा जो पोकेमॉन है गलार रीजन का ये पोकेमॉन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो टाइपिंग है वो है डार्क और ग्रास टाइपिंग, जो कि बहुत ही अच्छी है, जो बहुत रेयर होती है टाइपिंग। ठीक है, तो मेरे को इसका स्टाइल अच्छा नहीं, मतलब मीडियम लगा। ठीक है, तो मेरे को इसके स्टाइल की कहाँ इसकी पावर क्या है उसकी पर एक मूवी बनवाई इसका नंबर को, तो उसकी काम मैंने इसको नंबर इस नंबर पे रखा है। दोस्तों, जो मैंने पोकेमॉन नंबर 2 पे रखा उस पोकेमॉन का नाम है रेजी ड्रैगन। इस पोकेमॉन के बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया, पर ये जो हमें पोकेमॉन है पोकेमॉन शील्ड में देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये रेजी का एक मेंबर होने वाला है। मेरे हिसाब से ये ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होगा। इसके जो हाथ है वो उसकी तरह शॉर्ट और शील्ड की तरह काम आएगा, जो हमें रेफरेंस देते हैं इस गेम का। ठीक है, तो उसका जो डिजाइन है मैंने उसके कारण इसको रखा है नंबर 2 पे। और वन पोकेमॉन आज लोगों ने गेस के लिए और वो उस पोकेमॉन का नाम बता जल्दी। पोकेमॉन का नाम है जो पोकेमॉन नंबर 1 पे है उस पोकेमॉन का नाम है आर्टिकुलो। आपको पता होगा आपने सीनो देखा तो उसके अंदर ऐश है, वो एक आर्टिकुलो को हराता है बैटल फ्रंटियर के द्वारा। तो अगर कोई और आर्टिकुलो आएगा उसको ऐश की जो चाइज है मेरे सबसे बहुत आसानी से हरा देगा, जैसे कि उसने उस आर्टिकुलो को हराया था। वैसे भी ऐश का चाइज अभी बहुत ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत पावरफुल है, उसने आयरस के ड्रैगन आइट को बहुत अच्छी तरह से हरा दिया था, पर वो पहले आ गया, उसको पहले बुला लिया गया था। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें, तो उससे सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट तो करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड।